तुर्किया की हुकूमत और अवाम से इजहार यकशहती के लिए वजीर अजम शहबाज शरीफ कल अनकरा रवाना होंगे तुर्किया के साथले से, से होने वाली तबाही और जान नुकसान पर इजहार अफसोस करेंगे वजी अजम का तुर्किया के जल्जला मुता के लिए रिलीफ फंड कायम करने का फैसला काबीना अरकान एक माह जबकि ग्रेड अठारह से बाईस तक के अफसरान एक दिन की तनख्वाह इमदादी फंड में अतिया करेंगे विफाक काबीना के अजलास में फैसले वजी अजम के दौरे तुर्किया की वजह से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मौका नई तारीख का एलान इतिहादियों के मशावरत से बात में किया जाएगा तुर्की और शाम के होलनाक जलजिले में जहां बहक होने वालों की तादाद पांच हजार से तजावज कर गई मलबे तले दबे सैकड़ों अफराद की तलाश जारी क्यामत खेर जलजिले में मरने वालों की तादाद में आठ गुना इजाफा हो सकता है जबकि दोनों मुल्कों के दो करोड़ तीस लाख लोग बेघर हुए हैं आलमी इदारे सेहत का तखमीना तुर्किया और शाम के मुतासर इलाकों में बड़े पैमाने पर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी इमदादी कारकुनों को रामतों में मुश्किलों से बचाने के लिए तुर्क हुकूमत की आवाम से मोबाइल इस्तेमाल न करने की अपील इमदादी सामान ले जाने वाले रजाकारों को गाड़ियों पर मुतासरा इलाकों का रुख न करने की हिदायत मुख्तलिफ मुल्कों से रिलीफ एंड रेस्क्यू टीमें भी तुर्किया पहुँचना शुरू पाक फजाइया का दूसरा सी वन थर्टी तैयारा खैमे कंबल और दीगर एशियाई जरूरिया लेकर तुर्किया के लिए रवाना पाकिस्तान के अमाम की जानब से अठारह हजार पाउंड इमदादी सामान भेजा गया पी आई ए की परवाज भी पाकिस्तानी रेस्क्यू टीम और उनके सात टन वजनी खसूस आलात लेकर इस्तंबल रवाना पी आई ए ने इस्तंबल और दमश जाने वाली तमाम प्रवासों पर रिलीफ सामान की तरसील मुफ्त कर दी गई मुल्क भर में इंतवात एक साथ होने चाहिए अलग अलग इंतवाल से मीशत पर मनफी इस्ताफ मुरतब होंगे इमरान खान की फितरत है कि एक बात माने तो दूसरा मुतालबा कर देते हैं दहशत गर्दी के खिलाफ तमाम सियासी जमातों को मुतहद होकर किरदार अदा करना होगा वजी रेलवे ख्वाजा साद रफी इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने सबक सदर आसिफ अली जरदारी पर कत्ल की साजिश के इल्जाम से मुताल केस में शेख रशीद की जमानत बाद गिरफ्तारी की दरखास्त मुस्तरद कर दी शेख रशीद दौरान हिरासत अपने जुमलों से बार बार मुकदमे में लगी दफात के मृतकब होते रहे ये दो बड़ी सियासी जमातों में तसादम कराना चाहते हैं बहुत मुश्किल से गिरफ्तार किया गया है जमानत पर रिहा किया गया तो खदा है कि भाग जाएंगे प्रोसिक्यूटर के, के दलायल और कल से 10 फरवरी तक मरी गलियात कश्मीर बालाई खैबर पखतनखा बलोचिस्तान और गलगत बल्तिस्तान में बारिश पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान जुमेरात और जुमे के रोज़ इस्लामाबाद पोटोहार बालाई और वस्ती पंजाब ज़ेरी खैबर पखतुनखा में बारिश बाज मकामात पर याला बारी हो सकती है महत्व मौसम बस्मानी असल आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ न्यूज, न्यूज शो एट सिक्स में आपका खैर मकदम है मैं हूँ आपके साथ आपका मेजबान अयाज असलम और मैं हूँ सदफ अली खान नासीन खबरों की तफसल शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद मुल्क में इस वक्त तोानाई का बहुत बहरान है जिसका हम सबको ख्याल करना चाहिए इसकी बचत करनी चाहिए बिजली की क्योंकि बचत होगी तो हमारा मुल्क रोशन और खुशहाल होगा मोहम्मद से वफातू वफा, ने तो हम ने तेरे हैं ये जहां चीज, चीज है क्या, क्या। लोह कलम तेरे हैं नाजिम प्रोग्राम के आगाज़ में आपको बताते चलें कि वजे अजम मोहम्मद शहबाज शरीफ की जर सदारत विफाकी काबीना के अजलास में तुर्की और शाम में जलसले से होने वाली तबाही पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए चां बाहक अफराद की मकफरत अहल खाना के लिए सब्र जमील और ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की गई विफाक काबीना के, के मजीदी जानिए इस रिपोर्ट में काबीना का इजलास वजीर मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदारत में हुआ विफाकी काबीना ने तुर्की और शाम में जल्जले से होने वाली तबाही पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया और जामबाक अफराद की मफरत अहल खाना के लिए सब्र जमील और जख्मियों की जल्द सेहत याबी के लिए दुआ की गयी वजी अजम ने काबीना को जल्जले के फौरन बाद तुर्किया के सदर रजत तय बरदवान से अपने टेलीफोनिक रबते के बारे में बताया जिसमें उन्होंने जल्जले से होने वाली तबाही पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया और तुर्किया की हुकूमत और अवाम के साथ अपने भरपूर ताउन का यकीन दिलाया वजीर एजम ने कहा की पी आई ए और पाकिस्तान एयरफोर्स की परवाज़े रेस्क्यू टीमें और इमदादी सामान लेकर तुर्किया रवाना हो चुकी है रेस्क्यू एहलकारों के अलावा डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स भी इमदादी टीमों में शामिल है जबकि मजीद इमदादी सामान की तसील जारी रहेगी वजी अजम ने तुर्किया में जल्जला जदगान की इमदाद के लिए एक रिलीफ फंड कायम करने की हिदायत जारी करते हुए तमाम पाकिस्तानियों ऐसी इस फंड में बढ़ चढ़ कर हिस्सा डालने की अपील की है विफा काबीना ने मुतफा तौर आरोप तुर्किया के जल्जिला जदगान के लिए अपनी एक माह की तनखा बतौर अतिया करने का फैसला किया इजलास में फैसला किया गया कि विफाकी के ग्रेड 18 से ग्रेड 22 के अफसरान की एक दिन की तनखा तुर्किया के जल्जिला जदगान के लिए कायम रिलीफ फंड में बतौर अतिया दी जाएगी वजीर आजम ने मजीद कहा कि मुझ समेत पूरी पाकिस्तानी कौम इस अलमनाक कुदरती आफत में तुर्किया और शाम के अवाम के साथ शाना बशाना खड़ी है विफाकी काबीना ने सदर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की तकर्री के अमल को असर नो शुरू करने की मंजूरी दी वफाकी काबीना ने वजारत दाखिला की जानब ऐसी भेजे गए क्रिमिनल लॉज अमेंडमेंट बिल दो हजार तेईस के हवाले ऐसी एक काबीना कमेटी कायम कर दी जो बिल के मुसवदे का बगौर जायजा लेकर अपनी रिपोर्ट अगले काबीना इजलास में पेश करेगी इजलास में वजी तजारत सैयद नवीद कमर के बहनोई के इंतकाल पर ताजियत का इजहार किया गया और फातिया खानी की गई मोहम्मद मज़हरबास पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज इस्लाम और और शाम के होलनाक जलजिले में जामबह होने वालों की तादाद पाँच हजार से तजावज कर गई है जबकि सैकड़ों अफराद अब भी ऐसे हैं जो मलबे तले दबे हुए हैं आलमी इदारा सेहत के मुताबिक क्यामत के जलजिले में बीस हजार अफराद के हलाक होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है जबकि दोनों मुल्कों के दो करोड़ तीस लाख लोग बेघर हो गए हैं तुर्किया हुकाम ने जलजिले से मुल्क भर में तीन हजार चार सौ उन्नीस अफराद के जाम भक् होने की तस्दीक की है जबकि शाम में अब तक सौ से, से दस सूबे मुतासर हुए हैं और तीन हजार से ज्यादा इमारतें तबाह हुई है खाना जंगी के शिकार शाम में हल्ब लास्फिया और तरतूस के अजला में तारीखी इमारतें भी तबाह हुई सबसे ज्यादा नुकसान हल्ब के तारीखी कले को पहुंचा जल्जिले की तबाही की वजह से शुमारी शाम में सूरत हाल तशवीशनाक है मलबा हटाने के लिए जदीद मशीनरी ना होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलें दरपेश हैं तुर्किया तो की सेहत के साथ मुतासर इलाके में सत्रह लाख शामी पना गजी मुकीम हैं इन शामी पना गजी की जिंदगियाँ पहले ही शदीद मुश्किल में घिरी थी इस जलजिले के बाद वो दोहरी आजमाइश का शिकार हैं दोनों मुल्कों के मुतासर इलाकों में बड़े पैमाने पर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं और इमदादी रसाकार मरबे तले दबे हुए हैं लोगों को निकालने के लिए सर तोड़ मेहनत कर रहे हैं ताहम वक्त गुजरने के साथ साथ उनके जिंदा रहने की उम्मीदें दम तोड़ती जा रही हैं इमदादी सामान के हवाले से अगर बात की जाए नाजन तो इमदादी सामान ले जाने वाले रज़ाकारों को यह हिदायत की गई है कि वो गाड़ियों पर मुतासर इलाकों का रुख न करें तुर्क हुकूमत ने आवाम से मोबाइल इस्तेमाल न करने की भी अपील की है ताकि इमदादी कारकुन जो है उनको रामतों में मुश्किल का सामना ना करना पड़े सदर राजब तैयब उर्दवान ने तुर्किया में हंगामी हालत नाफज कर दी है और सात रोज़ा कौमी सोग का ऐलान किया गया है इसके साथ साथ तुर्किया और शाम में जलजिले के मुतासर इलाकों की अगर बात की जाए तो रात भर वहाँ पर इमदादी कार्रवाइया जारी रहीं मौसम के सख्ती के बावजूद इमदादी में मसरूफ रहे इसके अलावा मुतासर इलाकों में कुदरती आफत के बाद बर्फबारी और शदीद सर्दी के बावजूद मुतासरीन को शेल्टर्स में मुंतकिल किया जा रहा है और इमदादी कार्रवाई में मुआवनत के लिए मुख्त मुल्कों से रिलीफ एंड रेस्क्यू टीमें भी तुर्किया पहुंचना शुरू हो गई है अगवा मुतह के इमदादी इदारे जनूबी तुर्किया और शिमाली शाम में होना जल्जे से मुतासर हजारों अफरा की मदद के बरतानवीर ने तुर्किया और शाम के लोगों के साथ है। सोनक अपने की मुश्किल की इस घड़ी में तुर्क और शाम की अवाम के साथ हैं मुता मुमकिन मदद करेंगे इसके साथ साथ फ्रांस के सदर और जर्मन चांसलर ने भी तुर्की और शाम के लोगों से हमदर्दी जाहिर करते हुए हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया है नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने भी एक बयान में कहा है कि वो तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान के साथ रबते में हैं और जल्द इमदादी टीमें रवाना कर रहे हैं आजा से 370 सौ सत्तर रुकनी टीम तुर्किया पहुंच गई है रूस ने भी सौ अरकान पर मुश्तमिल रेस्क्यू टीम और इमदादी सामान भिजवाने का ऐलान किया है अमरीका यूरोपीय यूनियन और दूसरे मुल्कों ने भी तुर्किया के साथ यकजहती का इजहार करते हुए भरपूर ताउन का यकीन दिलाया है नाजिन यहां पर यह वाज रहे है कि गुजशतर रोज़ तुर्किया के जनूब मशरक़ और शाम के शिमाल में आने वाले जिलसिले की स्केल पर प्रशदत सात आशारिया आठ रिकॉर्ड की गई नाजिन इसी हवाले से मजदीद कुछ बात करने के लिए और इस हवाले से मजदूर आगाही हासिल करने के लिए हमने इस वक्त रब्ता किया है नवीद बलोच साहब से जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं तुर्किया से इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सर जैसा की फुटेज भी आ रही है तुर्की से और हालात इस वक्त जो है वो बहुत जो है वो तबाहाली वहां पर दिख रही है लोगों की क्या कहेंगे इस हवाले से आप जी मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो सूरत हाल है वो इंतहाई इन इन फोटेज से भी ज्यादा भयानक है जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है वो बहुत ही अलमनाक आ, 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 हालात और मनाजिर वहाँ हम देख रहे हैं आ, ये एक जैसा आपने मेंशन किया अपने इंट्रो में साथ इशारे आठ रेक्टर स्केल का जो जल्जिला था वो चार बजकर सत्रह मिनट पर एक पहला मेजर अर्थक्वेक आया था उसके बाद तो एक सीरीज ऑफ अर्थक्वेक्स थी ना दूसरा जलजिला एक बजकर छब्बीस मिनट दोपहर के टाइम सात शर छह मैग्नीट्यूड का आया फिर उसके बाद जो आफ्टर शॉक्स थे वो वो खुद छह शर छेल के थे तो ये थी इंटेंसिटी उसकी शिद्दत लेकिन उसके बाद जो जो हालात हुए वो बिल्डिंग्स के कोलेप्स होने की वजह से इमारतों के कोलेप्स होने की वजह से मुनहदिम होने की वजह से वो उनकी वजह से हालात बिगड़े हैं इस वक्त हालात की सूरत हाल ये है कि रेस्क्यू की टीमें जो कि लाइक बीस हजार से ऊपर रजाकार हैं सिविल डिफेंस के लोग हैं डिजास्टर के रिस्पांस फोर्स के लोग हैं वो मसरूफ अमल हैं और उन और वो कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जिंदा निकाल लिया जाए जो मलबे तले दबे हुए हैं अभी से कुछ देर पहले प्रेसिडेंट एरदवान ने रजब तैयब एरदवान ने अपना जो क्राइसिस सेंटर है वहाँ से उन्होंने अपडेट दिया उन्होंने कहा है कि जी आठ के करीब आ, अपना लोगों को अब तक रेस्क्यू कर लिया गया है और आ, और 3500 से ऊपर लोग हलाक हो चुके हैं 22000 से ज्यादा लोग जख्मी हैं ये सिर्फ तुर्की की सूरत हाल है जो हमसायी मुल्क हमसाय मुल्क शाम है वहाँ भी हालात कुछ बेहतर नहीं है वहाँ 1600 सो से ज्यादा अमवात वाक हो चुकी हैं और हजारों लोग इस वक्त खुले आसमान पर बैठे हुए हैं क्योंकि अब वो अपने घर वापस नहीं जा सकते जिनकी क्योंकि घर डैमेज हो चुके हैं या हैवीली डैमेज हो चुके हैं तो उनको ये एडवाइजरी है कि जी आप जितना हो सके वापस अपने घरों में जाने के बजाय जो गवर्नमेंट ने शेल्टर इस्टेब्लिश किए हैं वहाँ आप, आप रहेंगे इस वक्त जो दस सूबों में जल्जरा आया उसके करीबी जो सूबा है अंतालिया का भी है, पचास हजार बिस्तरों का एक सेंटर जो जो, जो कायम किया है जहाँ इन्होंने उस जल जिले के आफत इलाकों से लोगों को यहाँ रिहेबिलिटे एटलीस्ट कुछ कुछ दिनों के लिए शेल्टर देनी है जी नवी साहब ये फरमाइएगा अब तमाम हाल का आपने एक तजिया पेश किया है इस वक्त इन इलाकों की दस शूबों का जिनका जिक्र आपने फरमाया है इसकी अगर हम इमदादी कार्रवाई के हवाले से बात करें तो फरमाइएगा कि वहां पर फिर मौसम की शिद्दत भी उन इलाकों के अंदर बताया जाता है कि बहुत ज्यादा है और लोग जो जो घर बच गए हैं वहां पर तबाह हाल नहीं हुए हैं वहां जाने से भी डर रहे हैं और बाहर बैठने को तरजीह दे रहे हैं तो ऐसे सर्द मौसम के अंदर एक तरफ मौसम की शिद्दत है तो वहां पर इमदादी कार्रवाइयाँ कैसी चल रही हैं जरा ऐसा से आगा जी बिल्कुल ऐसा है कि यहाँ क्योंकि जनवरी और फरवरी के का का जनवरी से इन टू फरवरी हम, हम दाखिल हुए हैं मौसम की शिद्दत वही है जो सर्द मौसम में होनी चाहिए आ, कहीं बर्फबारी है कहीं बारिश हो रही है और और जीरो डिग्री टेम्परेचर हैं कुछ इलाकों में आ, लोग जो जो मुतासरा इमारतें हैं जो डेमेज इमारतें हैं उनमें वापस जाने के बजाय खुले आसमान तले बैठने को तरजीह इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि खुले आसमान तले सर्द मौसम से वो बच जाएं इनको कहीं खैमे मिल रहे हैं कहीं से जो है ना उनको ब्लैंकेट्स मिल रही हैं तीन लाख ब्लैकेट इन्होंने जो है ना वो रजाइया तकसीम की हैं एक लाख के करीब इन्होंने टेंट जो 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 बेड थे वो उन्होंने तकसीम किए हैं लोग बाहर इसलिए रहने को तरजीह दे रहे हैं वापस अपने घरों को तब तक नहीं जाएंगे जब तक कि जो मुतल सूबे हैं उनकी जो बल्दिया है वो उनको ऑल क्लियर नहीं देती तब तक ये लोग खुले आसमानों तले तो बैठेंगे या गवर्नमेंट के शेल्टर्स में बैठेंगे प्रेसिडेंट इरद्वान ने सदर इरद्वान ने इस वक्त तीन महीने के लिए स्टेट ऑफ एमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है इन दस सूबों में इसका मतलब ये है कि अगले कुछ महीने अगले चंद दिन तो हम देखेंगे यहाँ रिहेबिलिटेशन और रिलीफ वर्क जारी रहेगा रिकंस्ट्रक्शन होगी क्योंकि हजारों बिल्डिंग जब मैं कह रहा हूँ हजारों तो हमारे पास एग्जैक्ट फिगर है पाँच हजार सात सौ और इससे भी ज्यादा जो है ना वो वो, वो बिल्डिंग इमारतों के मुनहदिम होने का खदशा जाहिर किया गया है आफाद जो इनकी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उनकी तरफ तो से कहा गया कि हो सकता है कि ये फिगर ग्यारह हजार को टच कर जाए ये सूरत हाल सुन ली ये भी बताते चलेगा नवीद यहाँ पर कि इतनी शिद्दत के जलजले के बाद मौसमियाती मवास्तती निज़ाम जो है और रोड स्ट्रक्चर जो है उसको भी जाहिर सी बात नुकसान पहुँचा है फुटेज में भी हम देख सकते हैं आ, वो इलाके जहाँ पर तबाही हुई है वहाँ तक पहुँचना ऐसे इलाकों तक कैसे कैसे किस तरह से मुमकिन हो पा रहा है बिल्कुल आपने सही कहा इमारतों के साथ साथ जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी मुतासर हुआ है लेकिन उसके बावजूद आ, 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 कुछ इलाकों में अगरचे के रसाई नहीं है क्योंकि आ, क्योंकि वो माउंटेनियस री, रीजन है बेल्ट है सॉरी लेकिन फिर भी आ, लोग यहाँ से इस्तांबुल से अनकरा से जो 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 बाकी सेफर जोन है रीजन है वहाँ से लोग कुछ फ्लाइट्स लेके करीबी एयरपोर्ट तक जा रहे हैं कुछ लोग जो है ना वो बसों में और, और अपनी प्राइवेट कारों में कोशिश करके वहां पहुंच रहे हैं मैं अपने एक पर्सनल अकाउंट बताऊं कि मेरे एक दोस्त तेरह घंटे की ड्राइव के बाद एपी सेंटर आज पहुंचे हैं वो कल रात को रवाना हुए थे आज वो वहां पहुंचे हैं यह सूरत हाल है मतलब यह है कि लोग रजाखाना रजाखाना तौर पर खुद से जा रहे हैं ताकि रिलीफ एक्टिविटीज में अपना कंट्रीब्यूशन दे सके ठीक है नवीद इसके साथ साथ ये भी फरमा दीजिएगा शाम बिल्कुल इसके साथ मौजूद है तुर्किया के और वहाँ पर भी सूरत हाल जो है वो कुछ ज्यादा बेहतर नजर नहीं आ रही है क्योंकि वहाँ मौसम की शिद्दत तुर्किया की तरह नहीं है लेकिन वहां पर भी जो हौलनाकियां हैं जल्जले की वो बहुत ज्यादा बताई जा रही है तो कुछ इस हवाले से अपडेट कर सकते हैं वहाँ क्या सूरत हाल है क्या अभी तक डेथ टोल सामने आया है और किस कदर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाह हुआ है वहां पर जी जब हम शाम की बात करते हैं तो शाम में दो इलाके हैं एक आ, आ, असद रजीम के कंट्रोल्ड एरियाज हैं जिनको हकूमती हकुमत, अमलदारी में आ, आ, चल रहे हैं जिनको दमशक से दमशक से कंट्रोल किया जा रहा है कुछ अपोजिशन हेल्ड एरियाज हैं ये जो 1600 सौ का फिगर मैंने बताया है कि 1600 सौ अब बात हो चुकी हैं है। उन उनमें से आधी गवर्नमेंट के रजीम के हेल्ड एरियाज में हुई है और आधी अपोजिशन हेल्ड एरियाज में हुई है जहाँ गवर्नमेंट है या अपोजिशन है दोनों के हवाले से मैं बताऊँ की आफत ज्यादा मुल्क रहा है पिछले कुछ दस साल से दो हजार ग्यारह से ऑनवर्ड अब तक बारह साल हो गए हैं तो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर तो था ही नहीं डिजास्टर मैनेजमेंट और रेस्पॉन्स फोर्स ऐसी कोई इस्ते, कोई एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती करती जिनको हम कह सकें कि जी अपना ये इन पे ट्रस्ट किया जा सके रिलाई किया जा सके और वो जो लोग मुतासर हैं उनको रिलीफ दिया जा सके तो वहाँ की सूरत हाल जो 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 डिजास्टर का स्केल है उसके मुताबिक वहाँ की सूरत हाल यहाँ से भी अबतर है ठीक है वहाँ सूरत ज़्यादा तो आखिर में नवीद ये फरमा दीजिएगा कि इमदादी कार्रवाईयों पर हम बात कर रहे थे कौन कौन से ममालिके हैं जिनकी इमदादी टीमें जो है वो तुर्किया पहुँच चुकी हैं क्योंकि पाकिस्तान की जानब से भी हमने देखा है कि इमदादी सामान जो है वो भिजवाया गया है तुर्किया आज दूसरा तैयारा जो है वो जा रहा है तुर्किया इमदादी सामान लेकर इमदादी सामान इमदादी कार्रवाईों के हवाले से अगर हम दीगर आलमी बरदरी की बात करें तो क्या अपडेट कर सकते हैं कौन कौन से ममालिक शामिल हैं इस तमाम सूरत हाल में तुर्किया की मदद के लिए इस वक्त उन्नीस ममालिक की टीम टीमें जो है ना वो यहाँ रेस्क्यू वर्क में शामिल हैं और साठ के करीब ओवरऑल साठ के करीब मुमालिक की ममालिकमदाद आ रही है पहुंच रही है या पहुंच चुकी है इस वक्त हमारे पास एग्जैक्ट फिगर नहीं है बट अगर कहा जाए तो हजारों की तादाद में वो जो है ना वो, वो करीबी ममालिक बैन बेल, अमी बिरदरी से इमदाद इमदादी कारकुन और इमदादी सामान पहुंच रहे हैं जी बहुत शुक्रिया नवीद बलोच सीनियर सहाफ़ी तुर्किया से हमारे साथ मौजूद थे बहुत बहुत शुक्रिया आपने पी टी वी न्यूज़ को अपना वक्त दिया और हम उम्मीद करते हैं कि हालात बेहतर बेहतरी की जानव जो है वो गामजन होते जाएँ आप भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा जैसा कि हमारे पास फुटेज रसीव हो रही है और दिल दहला देने वाले मनाजर हैं अयाज देखे नहीं जा रहे हैं लोगों की पूरी पूरी जो फैमिलीज़ हैं वो तबाह होती जा रही हैं इसी हवाले से पाकिस्तान भी जो है पाकिस्तानी बहन भाई भी जो हैं वो बहुत दुख के आलम हैं और वज़ी अजम मोहम्मद शहबाज शरीफ अनकरा रवाना होने को हैं वो अपनी तमाम यहाँ की मसरूफियात तय करके तुर्किया की जानब रवाना हो रहे हैं नाजीन आपको बताते चले कि तुर्की और शाम के होलनाक जल्जिले में जहां बहक होने वालों की तादाद पांच हजार से तजावुज कर गई है इसके साथ साथ वजीर अजम ने एक ट्वीट भी किया है जिसमें तुर्किया और शाम के होलनाक और तबाहकुन जलजिले के नतीजे में होने वाले जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस किया गया है और वजी अजम कहते हैं कि ये तमाम नुकसान देख कर दिमाग माउफ हो रहा है इतने बड़े पैमाने पर होने वाला यह इंसानी अलमिया देख कर दिल दहल जाता है वजीर आजम ने कहा कि ऐसी सूरत हाल में बर वक्त इमदाद की सूरत में यजहती का इजहार दुखी इंसानियत के लिए हौसले का बायस है नाजिन पाक फजाइया का दूसरा सीवन थर्टी तैयारा लाहौर से खैमे कम्बल और दीगर एशियाई जरूरिया लेकर तुर्किया के लिए रवाना हो गया है तैयारा पाकिस्तान की आवाम की जानब से जल्जले से मुतासरा तुर्किया के भाइयों के लिए अट्ठारह हजार पाउंड इमदादी सामान लेकर जा रहा है इससे कबल पाक फिजाइया का सीवन थर्टी तैयारा सर्च एंड रेस्क्यू टीम और कंबल लेकर तुर्किया पहुंचा था तैयार में पाकिस्तानी आवाम की जानब से जल्जले से मुता तुर्किया के भाइयों के लिए इमदादी सामान भिजवाया गया है और हुकूमत पाकिस्तान की हिदायत पर पी आई ए का तैयारा इक्यावन रुकनी रेस्क्यू टीम को लेकर आज इस्तंबुल पहुंच रहा है पी के सेवन जीरो सेवन की परवाज पाकिस्तानी रेस्क्यू टीम और उनके सात टन वजनी खूसी आलात को लेकर लाहौर से इस्तुल रवाना हो रही है तर्जमान पी आई ए के मुताबिक इस्तंब के लिए रोजाना की बुनियाद पर प्रवाजें चलाई जा रही हैं जो कि तुर्किया के लिए हुकूमती इमदादी इकदाम के लिए हमा वक्त दस्तियाब होंगी पी आई ए की इस्तुलदमश जाने वाली तमाम प्रवासों पर रिलीफ सामान की तरसील मुफ्त कर दी गई है पी आई ए इंतजामिया के मुताबिक इमदादी सामान एन डी एम ए के जरिए पी आई ए के कार्गो टर्मिनल पर पहुँचाया जा सकता है उन्होंने कहा कि किसी भी इमदादी काम या जख्मी हम वतनों को वतन वापस लाने के लिए ही पी आई ए तमाम वसायल बरूएकार लाएगा नाजिन इस्लामाबाद में तुर्क सफारत खाना ने मुल्क में तबाह गुन जल्जिले के फौरी बाद पाकिस्तान की जानब से फौरी इमदाद और भरपूर हिमायत का शुक्रिया अदा किया है तुर्किया के सफारत खाना के ट्वीट के मुताबिक पाक फौज की यू एस ए आर टीमों को लेकर पाक फिज़ाइया का एक तैयारा बहिफाजत अडाना पहुँच गया है ट्वीट में मजीद कहा गया है की हम जल्जिले के बाद फौरी इमदाद पर पाकिस्तान में अपने भाइयों और बहनों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं पूरी दुनिया की जानब से नाजिन तुर्किया में होने वाले इस अफसोसनाक स्थान पर जहां इमदादी सामान रवाना किया जा रहा है वहीं इमदादी टीमें भी तुर्किया पहुंच रही हैं चीन ने भी तुर्किया के लिए उनसठ लाख डॉलर की हंगामी इमदाद फ्राहम करने का ऐलान किया है चीन की रेड क्रॉस सोसाइटी भी शाम और तुर्किया को फौरी तौर पर दो दो लाख डॉलर की इमदाद फरहम करेगी चीनी टीवी चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक चीन तुर्किया के मुतासर इलाकों में इमदादी और तबी टीमें भी भिजवाएगा और मुता की मदद के लिए रकम भी फराम करेगा चाइना इंटरनेशनल डेवलपमेंट कॉपोरेशन एजेंसी शाम और तुर्की के हुकाम के साथ रबते में है और उन्हें फौरी इंसानी इमदाद फराहम करने के लिए तैयार है कुछ मजीद अहम मौजूद पर बात करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा वानाई की बचत का अहद करें रोशन पाकिस्तान की बुनियाद रखें प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आपको खुशा मदीद कहेंगे आपको बताते चले कि सद डॉक्टर आर एफ अलवी ने कहा है कि पाकिस्तान ने दहशत गर्दी का किस महारत और दिलेरी से मुकाबला किया है दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती दहशत गर्दी की लानत का आइंदा भी कला खमा करेंगे सदर सदरुकत पेशावर में, में पुलिस लाइन धमाके के जख्मियों की आयादत के बाद इजार ख्याल कर रहे थे पिशावर के एक रोजा दौरे के दौरान लेडी रीडिंग हस्पताल में अजहार ख्याल करते हुए सदर डॉक्टर आरिफअल ने कहा कि पुलिस लाइंस धमाका एक तकलीफ देह और घना वाक था हकुमत, फौज और अवाम मिलकर दहशत गर्दी का मुकाबला करेंगे मुझे बड़ी इस बात का गम है कि इतने सारे लोग ने शहादत पाई और जख्मियों को भी देखा मैंने कोई जितने जख्मी लेडी रीडिंग में इस वक्त है उन सबसे एक एक ऐसी मैंने बात की पाकिस्तान की अवाम है पाकिस्तान की जमहूरियत है पाकिस्तान की इलेक्टेड नुमाइंदे हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट है पाकिस्तान की अफवाज है पाकिस्तान की सिविलियंस हैं जिन्होंने सब ने मिलकर इस पर एक अंदाज से इस चीज का मुकाबला किया और इन शाह मुकाबला कर कर इसका कमा करेंगे सदर ममलिकत ने इसे कबल हस्पताल पिशावर का दौरा किया उन्होंने पुलिस लाइन धमाके के जख्मियों कीदत करते हुए उनकी जल्द सेहत याबी की दुआ की सदर ममलिकत ने जख्मियों ऐसी अजहार यकजहती करते हुए उनको मुनासिब सहूलियात की फरहमी ऐसी मुतल तबी अमले और इंतजामिया ऐसी तफसी दरियाफ्त की सदर ने जख्मियों को दी जाने वाली तिबी इमदाद पर इत्मीनान का इजहार किया उन्होंने धमाके में बच जाने वाली वाहिद खातून जख्मी की भी अयादत की और धमाके में खातून के खानदान के अफरा की शहादत पर अफसोस का इजहार किया सदर ममलिकत ने कहा कि जिन अफराध ने धमाके में अपने प्यारों को खोया उनके नुकसान का अजाला नहीं किया जा सकता ताहम हुकूमत की जानब ऐसी शोहदा के लवाहकिन और जख्मियों के लिए इमदाद खुश आइंद है सदर डॉक्टर रेफलवी ने चीफ मिनिस्टर हाउस पिशावर में निगरान वजीर अला मोहम्मद आजम खान ऐसी मुलाकात की मुलाकात में, में की एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक के चीफ इकॉनमिस्ट ने इस्लामा में मुलाकात की है वजीर खजाना ने एरिकोव को पायदार इकत और समाजी बेहतरी के लिए हुकूमत की माशी पॉलिसियों और इस्लाहत ऐसी आगा किया उन्होंने कहा कि माशी चैलेंजस के बावजूद हुकूमत मीशत को मुस्बत सम पर गामजन करने के लिए पराजम है चीफ इकोनॉमिस्ट ने बुनियादी ढांचे की तरक्की और समायकारी में बैंक के किरदार पर रोशनी डाली और पाकिस्तान तरक्याती में तरक्याती मंसूबों में मुस्कबिल के ताउन पर तबादला ख्याल किया वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि पंजाब और खैबर पख्तुखा की तखाजा है इंतबात एक ही वक्त पर हों। तफी बताएंगे नवीद हयात लाहौर की एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तू करते हुए ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि इमरान खान ने दोनों वज्राला पर दबाव डालकर उनसे असम्बलियाँ तहलील करवाई उन्होंने कहा कि पी में शामिल तमाम जमातें इंतबा के लिए तैयार हैं तहम मुल्क की मौजूदा सूरत बार बार इंतबा की मतहमल नहीं हो सकती मुल्क में इंतबात एक साथ होने चाहिए अदरवाइज क्या क्रिएट होगा एक नया बहरान पैदा होगा पाकिस्तान बहरानों का मुतमल नहीं हो सकता और ये भी मुमकिन नहीं है कि मुल्क में पूरा साल इंतबात ही उतरें और कोई दूसरा काम ना हो क्योंकि जो इकनॉमिक मेल्कडाउन है जो माशी बहरान है वो बहुत बड़ा है और वह भी एक बदतरीन सैलाब की तरह है जिसने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में लिया है आइन की पासदारी अपनी जगह मौजूद है लेकिन इस मुल्क में पहले भी मुख्तलिफ मौके पर इंतबात जो हैं वो अल्तवा हुआ उसका उस उसतवा की खा बिल्कुल ये मकसद नहीं है कि कोई इलेक्शन से हम दौड़ना चाहते हैं इलेक्शन पहली बार लड़ना है अलेक्शन बदतरीन आलात में भी लड़ा है अट्ठारह का जो अलेक्शन था उससे बुरे हालात तो नहीं है ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि दहशत गर्दी की लहर का मुकाबला करने के लिए जरूरी है कि तमाम सियासी जमाते मुश्तर तौर पर किरदार अदा करें उन्होंने कहा कि अमन अमान की मौजूदा सूरत में तरीके इंसाफ को संजीदगी का मुजाहरा करने की जरूरत है एक सवाल के जवाब में वफाकी वजी ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि हुकूमत मुल्क को दरपेष चैलेंजेस से निपटने के लिए पुरअ्म है और इस हवाले ऐसी अमले इकदाम का सिलसिला जारी है नवीद हयात पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज लाहौर वजीर अजम के मुआवन खसूशी अताड़ कहते हैं कि इमरान खान अपने खिलाफ मुकदमा को तूल देने की कोशिश कर रहे हैं ये जो मर्जी हरबे इस्तेमाल कर ले इनको अपने का जवाब देना पड़ेगा तफी बता रहे हैं शारुफ शामफ्रेंस करते हुए वजी अजम के मुआवन खूशी अताउल तारड़ ने कहा है की अदालतों में पेश होने के बजाय केसेस को तूल देने वाले इमरान खान सादिकमीन नहीं रहे वो जमान पार्क में खातिन और बच्चों के हसार में रूपोश हैं फर्दे जुर्म ने आयद होना था तो आप कितनी देर छुपेंगे टांग का बहाना करके बहादरी का सबूत नहीं आए कोर्ट का सामना करें कहें मैं खाना का हिसाब देता हूं कहें कि अगर आर्टिकल 62, 63 मेरे पे लगता है तो मैं टेरियन जेड वाइट का केस इस्लामाबाद कोर्ट में मेरिट पे डिस्कस करने को तैयार हूं अगर झूठ मुनाफकत मकर फरेब और धोखे की कोई इंसानी शक्ल है तो उसका नाम इमरान अहमद खान न्याजी है मावन ने कहा कि इमरान खान ने अपने दौर में फरागोगी के जरिए करप्शन की ट्रांसफर और पोस्टिंग में एक इशारिया छह अरब की करप्शन की गई जल्द फरागोगी को इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार करके मुल्क वापस लाएंगे शाहरुख शफी पाकिस्तान टेलीवी न्यूज इस्लाम आबाद नाजी सिंध असम्बली के अरकान ने चेयरमैन पी टी आई इमरान खान की जानब से जेल भरो तहरीक को ड्रामा करार देते हुए कहा कि हमेशा की तरह इस बार भी यू टर्न लिया जाएगा नवाब अली शाह रिपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया है ये तहरीक किस तरह चलेगी कितनी कामयाब होगी इस हवाले से सिंध इसम्बली के अरकान का क्या कहना है आइए उन्हीं की जबानी सुनते हैं मुझे तो हमने कोई एक भी ऐसा नहीं लगता है कि जो जेल भरो तहरीक में सामने आएगा इमरान खान अल्लाह करे कि ऐलान करें और ये कहे कि जी पहले पहले जो उनके कराची के सदर हैं सिंध के सदर हैं लीडर ऑफ द अपोजिशन है वो गिरफ्तारियाँ देंगे तो फिर देखते हैं और पीछे कितने आते हैं लेकिन सबसे पहले सारा ड्रामा है जिस तरह से ये रहे हैं। जेल भरो से होना कुछ नहीं है, इनको से चाहिए। की है। जेल भरो तहरीक है जिस तरह पहले वो दावा करते रहे और फिर यू टर्न लेते रहे भरो तहरीक शुरू करे बल्कि अगर वो आते हैं तो हम जो सिंध की जेल है वहाँ से उनकी इलाह करके भेजेंगे जेल भरो तहरीक में आगाज अपने लीडर से होता है लीडर कहता है पहले आप जाओ फिर और तो वो जो उनके साहब जो गए कुछ दिनों के लिए उनके रोने से आप अंदाजा लगा लो कि वो जेलों में क्या करेंगे ड्रामा देख रही हूँ और कुछ भी नहीं देख रही हूँ चार लोग लीडर गिरफ्तार हुए उन्होंने रो रो के जो नदियाँ बहा दी वो सबने देखी है ये जो रोने वाले लोग जेल तो क्या वो जो जेल से दूर भागते हैं सैनट अजलास में वज़ीर ममलखत शहादत आवान ने अवान को बताया है कि बलोचि की मरकजी शाहरा एन ट्वेंटी फाइव को दो रोया करने का दरीदा मतलब पर मौजूदा हुकूमत ने काम शुरू कर दिया है शाहरा की तकमील से ट्रैफिक की रवानी में बेहतरी और हादसा में कमी आएगी तफसी मलिक उमर से सैनेटर विशेष कुमार के कराची तक कोटा और चमन शाहरा पच्चीस की खस्ताहाली से ऐसी तवज्जो दिलाओ नोटिस के जवाब देते हुए वजी मुमलिकत कानून इंसाफ शहादत अवान ने अवान को बताया कि ये शाहरा उन्नीस सौ पचासी में सूबे से वफाक को मुंतकिल हुई वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अप्रैल दो हजार बाईस में इस शारा को दो रोया करने के मनसूबे का बुनियाद रख दिया है जबकि मनसूबे पे काम का आगाज भी हो चुका है उन्होंने अवान को बताया की शाहरा सात चौकियाँ मौजूद है जबकि इस तादाद को भी बढ़ाया जा रहा है सैनेटर डॉक्टर महत ताज के तवज्जो दिलाव नोटिस का जवाब देते हुए वजी ममलकत कानून इंसाफ शहादत ने अवान को बताया कि मौजूदा हुकूमत ने बीस जरूरी अद्वियात की कीमत में कमी की है जिसे सराहा जाना चाहिए वक्फा सवाल में रेलवे से मुतल सवाल का जवाब देते हुए वजी ममलिकत कानून इंसाफ ने बताया की रेलवे का खसारा हुकूमत को विरसे में मिला है सैलाब से रेलवे को बहुत नुकसान हुआ है एम एल वन मनसूबा रेलवे को मुनाफा बख्श बनाने में अहम किरदार अदा करेगा सैनीटर बहरम तंगी ने नुकता एतराज पर इजहार ख्याल करते हुए कहा की तुर्किया में जल्जले वसी पैमाने पर पे नुकसान हुआ बराबर मुल्क तुर्किया मुश्किल की हर घड़ी में पाकिस्तान के साथ ताम करता रहा है मौजूदा हालात में हमें ह्यूमन रिसोर्स की सूरत में भी उनकी मदद करनी चाहिए इजलास में मुख्तिकों की रिपोर्ट पेश की गयी जबकि कुछ कायमा कमेटियों की रिपोर्ट पेश करने की मैदा में मोहल्त की तहारीख भी मंजूर हुई सेनेट का टेलीविजन न्यूज इस्लामाबाद नासिन कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार 100 इंडेक्स 331 पॉइंट्स का इजाफा हुआ 100 इंडेक्स इकतालीस की सतह पर बंद हुआ स्टॉक एक्सचेंज में उनतीस करोड़ पैंसठ लाख पचानवे हजार से ज्यादा शेयर्स का कारोबार हुआ जिनकी मालियत 12 अरब इक्यावन करोड़ तिरानवे लाख रुपए से ज्यादा थी स्टॉक मार्केट में एक कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा एक कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी जबकि उनतीस कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई आज सबसे ज्यादा इजाफा केमिकल्स और कमर्शियल बैंकों के शेयर्स की कीमतों में हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुबैया बेटी को कागजात नामजदगी में छुपाने के हवाले से इमरान खान की नाअली के लिए दायर करदा केस में चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में तीन रुकनी बेंच तश्ल दे दिया है ये बेंच 9 फरवरी को केस की समाप्त करेगा बेंच के दीगर दो जजेस में जस्टिस मोहसिन अख्तर क्या और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर शामिल है दरखास्त को शहरी मोहम्मद साजिद ने मुबैना बेटी टेरियान को कागजात नामजदगी में जाहिर न करने पर इमरान खान को नाअहल करार देने की सदा की है इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर कत्ल की साजिश के इल्जाम से मुतक केस में शेख रशीद की जमानत बादस गिरफ्तारी की दरख्वा मुस्तरद कर दी है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में शेख रशीद की दरख्वास्त जमानत बाद पर शब्बीर ने की अदालत के इस पर शेख रशीद के वकील ने कहा कि उन्होंने खान के का हवाला दिया और सिर्फ ये कहा, कि खान ने जो कहा वो ठीक है प्रोसिक्यूटर ने अपने दलाल में कहा कि शेख रशीद दौरान हिरासत अपने जुमलों से बार बार मुकदमे में लगी दफात के मुरतकब हो रहे हैं शेख रशीद की जानब से इमरान खान को कत्ल कराने का इल्जाम आसिफ जरदारी पर लगाना कोई छोटी बात नहीं है शेख रशीद दो बड़ी तो में चाहते हैं। उन्हें बहुत मुश्किल से गिरफ्तार किया गया जमानत पर रहा किया गया तो खदशा है तो आठ हल्कों आरोप सोलह मार्च को होने वाले जिमनी इंतजेते नामजदगी जमा करने का सिलसिला शुरू हो गया है नौ फरवरी को कागजात उम्मीदवारों की फेहरिस्त आया और तेरह फरवरी तक कागजात की जाँच पर जाएगी कागजात नामजदगी की मंजूरी या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें सोलह फरवरी तक जमा कराई जा सकेंगी अपीलों पर फैसला बीस फरवरी तक किया जाएगा 21 फरवरी को उम्मीदवारों की नस्सानीशुदा फहरस्त जारी की जाएगी और अगले रोज कागजात नामजदगी वापस लिए जा सकेंगे 23 फरवरी को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी और इंतबी निशाना अलॉट किए जाएंगे पोलिंग सोलह मार्च को होगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कौमी असेंबली की नशस्त एन ए दो सौ पैंसठ में सोलह मार्च दो हजार तेईस को होने वाले जमनी इंतबाब के लिए डीआरओ, आरओ और एआरओ ओ तैनात कर दिए गए हैं शेड्यूल के मुताबिक छह से आठ फरवरी तक कागजात नामजदगी जमा कराया जा सकेंगे 22 फरवरी तक कागजात नामजदगी वापस लिए जाएंगे और 23 फरवरी 2023 को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी करके उन्हें इंतारी निशानात अलाउट किए जाएंगे जबकि पोलिंग सोलह मार्च दो को होगी और दुनिया भर में बढ़ती हुई मालियाती आलूगी और उसके नुकसान से बचाव के हवाले से कराची में एक नुमाइश मुनद की गयी इसी की तफसील बता रही है सबा जाफेद निजी यूनिवर्सिटी के उलूम की सेव द अर्थ नुमाइश इनफरादियत के एतबार से मुंफरद थी जिसमे तलबा ने चौवन किस्म के नाकबले यकीन प्रोजेक्ट और मॉडल बनाए नौजवानों ने अपनी तकनीकी और साइंसी सलाहियतों का मुजाहरा किया जिसे सब ने खूब सराहा चालीस ऐसी ऊपर प्रोजेक्ट हमारे पास माशाला हमारे स्टूडेंट्स आ, बहुत ज्यादा मोटिवेटेड इस चीज़ को लेके बच्चों को के जरिए हम अवेयरनेस अपने में पैदा करें बिकॉज़ ये फ्यूचर है हमारा यूनिवर्सिटी के अस्ताजा का कहना था कि हम इन नौजवानों की कोशिशों को दाद देते हैं जिन्होंने माहौलियात की बेहतरी के हवाले से प्रोजेक्ट्स की नुमाइश की और उम्मीद करते हैं कि वो मुस्तकबिल में भी ऐसी इजादात करते रहेंगे जिनसे माहौल को फायदा हो रीयूज पेपर्स थे हमारे पास हमने उनको रिसाइकल करके एक न्यू पेपर की शेप दी है तो रेन वाटर हम लोग वेस्ट कर देते हैं तो हम लोग यहाँ जैसे रेन वाटर आएगा ये हमारा इससे यहाँ जाएगा व्हील में देन हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी जितने भी लाइट के फ्रेम्स होते हैं उसको स्ट्रक्चर देने के लिए तो हम वो बॉटल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जो रिसाइकिल या यूज नहीं हो पाते तो उससे हमारे जो इन्वायरमेंट में फर्क पड़ता है तो इसलिए हमने ये प्रोजेक्ट चूज किया है है रेन डिटेक्टर बनाया प्रोजेक्ट से जो है हम हम ये पहले पहले पता डिटेक्ट कर कर सकते सकते हैं हैं कि बाहर रेन हो रही है है अपनी चीजें जो वो किस तरह हम अंदर तलबा के ग्रुप का कहना था कि जमीन की देखभाल करना न सिर्फ एक जिम्मेदारी है बल्कि ये एक जरूरत भी है और अपने प्रोजेक्ट और मॉडल्स के जरिए बताया कि माहौलियाती मसाइल क्या है और हम किस तरह अपने माहौल को बचा सकते हैं तलबा तालबात ने सेव द अर्थ प्रोजेक्ट डिस्प्ले के जरिए लोगों को साफ सुथरा माहौल रखने का पैगाम दिया और साथ ही आवाम को माहौलिया पैतालीसवीं नदी तक तालीम तदरीस और अदबो फन के लिए कारहाय नुमायांजाम देने वाले सूफी तब्सम चार अगस्त अठारह सौ नवे को अमृतसर में पैदा हुए सूफी तबसम अपनी जात में एक अंजुमन थे शायर मुतरजम नक़ाद और अदीब उनकी शख्सियत के मुख्तलि जहतें थीं पहले असगर फिर तबसुम तखलस किया उनकी उर्दू और फारसी शायरी के कई मजमुए शाया हुए सूफी तबसुम ने बच्चों की शायरी के हवाले से बेपना मकबूलीत हासिल की उनकी तख्लीक करदा किरदार टोट बटोट उन्हें बच्चों के अदब में हमेशा ज़िंदा रखेगा और अब कुछ बात कर लेते हैं मौसम के हवाले से महकमा मौसमियात ने जुमेरात और जुमे के दौरान मुल्क के मगरबी और बालाई इलाकों में तेज हवाओं गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई की है कल रात मगरबी हवाएं मगरबी इलाकों में दाखिल होंगी जो नौ तारीख को मुल्क के बालाई इलाकों तक फैल जाएंगी और जुमे तक शिमाली इलाका जात आरोप मौजूद रहेंगी कल से जुमे के दौरान मरी गलियात कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान चतराल सवात मानसहरा कोहिस्तान हरीपुर और एबटाबाद में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है जुमेरात से इस्लामाबाद गुजरावाला गुजरात मंडी बहाउद्दीन सियालकोट लाहौर फैसलाबाद टोबा टेक्सिंग खुशाब मियाँवाली सरगोदा करक पेशावर चारसदा नौशहरा इन सब इलाकों में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है कुछ मौसमी के हवाले से बात करने के लिए हमने इस वक्त रहा किया है हमारे नुमांदे का शिमली है कासिम बताइएगा क्या सूरत हाल है मौसम की जी यहाँ पे गुजशत रोज मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी हुई थी अगर सरदो शहर की हम बात करें तो शहर में दो इंच बर्फ पड़ी थी और जितने बलाई इलाके हैं वहां पे छह इंच से जायद जो है वो बर्फ पड़ चुकी थी जिसके बाज़ जो भलाई बुलंदी के इलाके हैं उनकी रापता सड़कें फिर से बंद हो गई थी और साथ ही मट्टी के तोदे गिरने से गिलगित करदो रोड भी हर किस्म की ट्रैफिक की आमदर्फ के लिए बंद थी जिसे खोल दिया गया है आप इस पर ट्रैफिक रवा दवा है गुजशतर रोज़ इस्लाम और स्कदों के दरमियान फ़जाई सर्विस भी मअल रही लेकिन काफ़ी दिनों बाद आज अच्छी धूप निकली थी और इस्लामाबाद और स्कदों के दरमियान फ़जाई सर्विस भी बहाल हो गई और शहर में कुछ काफ़ी रौनक और चहल पहल भी काफ़ी अर्से बाद धूप की वजह से वो भी देखने में आई लेकिन कल के दिन के वकफे के बाद परसों से दो दिन के लिए मजीद बर्फबारी की पेशगोई की गई है जमेरात और जुमे को तमाम गलीत बल्तिस्तान के इलाकों में बर्फबारी हो सकती है जिससे सर्दी की शिद्दत भी फिर लौट आएगी और जो लोगों की मामूल की जिंदगी भी है वो भी मुतासर हो सकती है और ज्यादा बर्फबारी की सूरत में जो भलाई इलाके हैं वहाँ पे रता सड़कें भी बंद होंगी और साथ ही ये भी ख़दशा जाहिर किया जा रहा है कि जो बुलंदे के इलाके हैं और जो नदी नालों के आस पास के इलाके हैं वहाँ पे लैंड स्लिंग भी हो सकती हैं बारिश और बर्फबारी के बाईस अच्छा कासिम ये बताइएगा बहुत से लोग इस मौसम

तो उनकी सहूलत के खातर अच्छे होटल जो हैं उनको अरेंज करके उनको खुला रखा हुआ है ताकि जो टूरिस्ट आते हैं उनको परेशानी ना हो और साथ ही वक्तन फ़ोकान एडवाइजरीज के जरिए उनको गाइडलाइंस भी दी जाती हैं किन किन इलाकों में जाना चाहिए किन इलाकों में नहीं जाना चाहिए और जहाँ जाते हैं वहाँ पे फिर क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने चाहिए अभी जिस तरह मैंने अभी जिक्र किया कि आने वाले दो दिनों में जुमरात जुमे बर्फबारी के इमकान हैं तो जो बुलंदी के इलाके हैं और खसूसा नदी नालों वाले इलाकों में सफर से गुरेज करने के लिए भी कहा गया है क्योंकि उन इलाकों में लैंड स्लाइडिंग भी हो सकती हैं बाकी बाइर भी उनके लिए जो रास्ते हैं वो खुले हुए हैं फ्लाइट मौसम साफ होने की सूरत में फ्लाइट्स भी हो रही हैं और जो जितने बैन अज़लाई सड़कें हैं मेन शहरों तक जाने के लिए वो तमाम सड़कें खुली हुई हैं और उन पर आमदोरफ़्त बहाल है उन पर आमदोरफ़ बहाल है बहुत बहुत शुक्रिया कासिम नसीम आप हमारे साथ सरदू से मौजूद थे बहुत बहुत शुक्रिया आपका नाजीन आपको बताते चले कि नौजवानों में सेहतमंदाना सरगर्मियों के फरू और साइकिलिंग की अहमियत को उजागर करने के लिए बहावलपुर इंतजामिया की जानब ऐसी साइकिल रैली का अहतमाम किया गया जिसमे तमाम उम्र के अफराध ने शिरकत की मजीद तफसी बताएंगे हमारे नुमांदे मुख्तार अंजुम अपनी इस रिपोर्ट में डिविजनल व जिले इंतजामिया के जिलमाम अठारहवीं चौलीस जीप रैली तकरीबा के सिलसिले में साइकिल रैली का अहतमाम किया गया जिसमे स्कूलों के तुलबा के अलावा शहरियों ने भी भरपूर शिरकत की साइकिल रैली यजमान रोड ऐसी शुरू होकर एयरपोर्ट रोड ऐसी होते हुए वापस यजमान रोड आरोप अख्तितम पजीर हुई रैली का अफ्तः कमिश्नर भावलपुर राजा जहांगीर अनवर ने किया और रैली की क्यादत भी की हमने इस दफा शहर भावलपुर भावल नगर यार खान के शहरों में भी हमने उसी तरह की फेस्टिविटी अरेंज की है इसके दो मैसेजेस हैं एक तो हम साइकिल कल्चर को इम्प्रूव करना चाहते हैं प्रमोट करना चाहते हैं और दूसरा ये फेस्टिविटी का भी उसमें एडिशन है कि पूरी रोही फेस्टिवल इस वक्त जारी है पूरे हमारे डिवीजन में यह पूरा हफ्ता जो है भावलपुर के अंदर इन मेला लगा रहेगा मकसद ये है कि फिजिकल फिटनेस को सेंसिटिविटी को उजागर किया जाए और भावलपुर की जो कल्चर है और तारीख है उसको सेलिब्रेट किया जाए रैली में शरीक तुलबा और इसका कहना था कि इस तरह की सरगर्मियाँ एक ऐसा एक दाम है जो की उनमें आगे बढ़ने का मौका फ्राहम करती है इस मौके आरोप कमिश्नर बहावलपुर ने रैली में नुमाया पोजिशन हासिल करने वाले तुलबा में शील्ड तकसीम की

एक्टिविटीज हैं ये कहीं ना कहीं पसी पुष्ट रह गई हैं लेकिन इस इन तमाम एक्टिविटीज में भी लोगों का आगे आना इस बात की एकासी करता है है कि कि लोग अभी भी जो है वो है, वो हेल्दी एक्टिविटीज के हैं हैं ये चाहते है कि इस किस्म की उनको आ, कोई ना कोई एक्टिविटी मिलती रहे और जब जिले इंतजामिया की जानब से या हुपरस्ती में इस तरह की एक्टिविटीज का इनका किया जाता है तो एक तरफ जहाँ एक खुशी होती है कि आप आ, मुकाबला जीतते हैं आपको प्राइज मिलता है वो खुशी एक जगह होती है और दूसरी जिसमानी से बहुत फिट रहता है मुझे आप भी याद है कि जब हम बाइक से पहले गाड़ियों से पहले साइकिलिंग करते थे तो, तो किस तरह हम फिट रहते थे और क्रिकेट खेलना इस तरह की दूसरी एक्टिविटीज के अंदर करना, आप मेंटली पर भी अपने रखते हैं। और जिसमानी तौर पर तो इनका जो है वो यकीनी तौर पर ये एक बड़ी अहमियत हामिल है और हमारे नौजवान हैं उनको ये हेल्दी एक्टिविटीज जरूर मुयसर आनी चाहिए इसी पर हम बात करते हैं पंजाब के एम डी टीडीसीपी के आगा मोहम्मद अली अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं आगा मोहम्मद अली साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए सर आप समझते कि इस तरह की सरगर्मियां जो है खेलों की उनका तवातुर के साथ जो है वो होना चाहिए ताकि हमारी नौजवान नस्ल जो कि कहीं बहुत पीछे इन एक्टिविटीज को छोड़ आई है और आजकल मोबाइल फोन में ज्यादा वक्त गुजारती है उनको इस तरह की एक्टिविटीजर तर आने से ये बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है थैंक यू जी बड़ी आपकी मेहरबानी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का जो है प्रमोट किया जाए और सेहतमंद तफरी को जो है वो प्रमोट किया जाए और टी डी सी पी टूरिज्म डिपार्टमेंट और दीगर तमाम इदारे जो हैं वो मिल के इस चीज को इंश्योर करते हैं जिसकी एक मिसाल जो है वो इस वक्त चोलिस्तान में इंटरनेशनल जीप रैली का इका है जिसका आज आज से बाकायदा आगाज हो चुका है जी सर हम जिस तरह से देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा इन इन सरगर्मियों की तरफ तवज्जो मरकूज की जा रही है आ, क्या कहेंगे इसका रिस्पांस आवाम की जानब से कैसा आ रहा है कैसा महसूस कर रहे हैं आप जी मैं बड़ा अच्छा महसूस कर रहा हूँ जी अठारहवीं जीप रैली है हमारी चोलिस्तान जीप रैली और ये जो इंटरनेशनल चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली और कल्चरल इवेंट है ये यानी इसको इस दफा जो है इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश की गई है तो ये एक बहुत बड़ा बड़ा एक अच्छा इवेंट है जिसपे लोकल कल्चर भी प्रमोट होता है टूरिज्म नेशनल और इंटरनेशनल लेवल्स पे भी प्रमोट होता है और लोगों को एडवेंचर टूरिज्म देखने का और उसमें मौका पार्टिसिपेट करने का एक मौका भी हासिल होता है ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद थे आपके कीमती वक्त के लिए और इस तरह की जो एक्टिविटीज़ है यकीनी तौर तो पर बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही सदफ़ कि एक तो आपका जो कल्चर है वहाँ का वो लोग देखते हैं और वहाँ के इलाक़े के जो लोग हैं उनको भी बेहतर मैसर मौाक़े आते हैं रोज़गार के हवाले से जी हाँ इसके साथ साथ जिसमानी वर्जिश के भी बहुत बेहतरीन ये मौाक़े हैं जब इस किस्म की एक्टिविटीज़ होती हैं नौजवानों को ऐसी एक्टिविटीज़ मिलने से उनकी भी जिसमानी चुस्ती जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है लोगों के लिए जो है वो इस किस्म की एक्टिविटीज़ बहुत खुश आइंद भी हैं अगर पाकिस्तान में इस किस्म की एक्टिविटीज़ के ऊपर जैसे कि हमें देखा है कि खेलों के हवाले से बहुत ज़्यादा बात हो रही है तो इस सब चीज़ के अंदर लोग लोगों की जो रिस्पॉन्स है वो भी बहुत अच्छा देखने में आ रहा है और नासन इसी के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुँचा यहाँ एक ब्रेक लेंगे जिसके बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ